व्हाट्सअप गाइस, एक छोटा सा वीडियो तुम लोगों को ये बताने के लिए कि TSR में फाइनेट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है। मेरा नाम फाइनेट मेरिट लिस्ट में नहीं है गाइस, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरा क्यों फाइनेट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं है? मैंने इतना मेहनत किया है लेकिन नाम नहीं है। मेरा एक सपना पूरा सपना ही बन गया गाइस, मैं और क्या ही बताऊंगा, क्या ही बताऊं गाइस। मेरा तो नहीं हुआ सेलेक्ट, किस्मत ही ख़राब है यार, क्या बताऊं। पिछले 5 सालों में मैंने मेहनत किया है डिफेंस में जाने के लिए। मेरे माँ बाप का भी सपना था, मेरा खुद का भी सपना था, मैं डिफेंस में जाऊं और मैं देश के लिए सेवा करूं। लेकिन ये सपना मेरा पूरा नहीं हुआ गाइस। मेरा एज भी ख़त्म हो गया, ख़त्म हो रहा है और मैं क्या करूँ डिफेंस में जाते और पिछले पाँच सालों में मैं तैयारी कर रहा हूँ डिफेंस में जाने के लिए, लेकिन सक्सेस पूरा हो नहीं पाया गाइस। मैं पहला मैं रिक्रूट दिया था TSR में दिया था, 2013 में दिया था, ये भी पॉलिटिक्स की वजह से कैंसिल हो गया। नया सरकार आ गया तो ये भी पूरा कैंसिल हो गया। और दूसरी बार ये भी TSR में दिया था मैंने, तो ये भी 2016 में दिया था, तो ये भी केस वगैरह हो के सब कुछ मैं टोकन वगैरह मिल चुका हूँ, सब कुछ मैं पास हो चुका हूँ, रिटर्न एग्जाम सब कुछ कंप्लीट हो चुका हूँ, लेकिन ये भी केस हो गया, ये भी गायब हो गया। और तीसरी बार ये तो पुलिस में दिया था, 2017 में दिया था, पुलिस कॉन्स्टेबल GD में दिया था त्रिपुरा पुलिस, तो ये भी मेरा ये भी टोकन मिल चुका था, ये भी सब कुछ ख़त्म हो गया था। क्या ये बताऊँ, क्या चल रहा है इस दुनिया में, ये सब ये पॉलिटिक्स वगैरह क्या हो रहा है यार। पॉलिटिक्स बोलूँ या किस्मत बोलूँ इसको, क्या ही बताऊँ। और इसके बाद 4 नंबर पे SSC GD बहुत मैंने मेहनत किया है, SSC GD में भी मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, रिटर्न एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, और इसके बाद फिजिकल भी कंप्लीट कर चुका हूँ, और इसके बाद मेडिकल में जाके मेरा क्या बोलूँ BP हाई हो गया मेरा, मैं डिप्रेशन में चला गया था गाइस, इस वजह से मैं नहीं कर पाया पूरा कंप्लीट। SSC GD में भी मेरा GD बन गया पूरा, हमेशा सपना ही बन चुका है गाइस। और इसके बाद लास्ट 2019 में अभी जो रिसेंटली जो मेरी लिस्ट निकला, इसमें भी मेरा नाम, मैंने सोचा था मेरा नाम होगा लेकिन नाम नहीं है गाइस, पूरा मेरा सपना टूट गया गाइस, मैं क्या बोलूँ। और ये मेरा पूरा सपना था, मेरे माँ बाप का सपना था, ये मैं क्या बताऊँ, मैं घर में जाकर अभी क्या किस मुँह से मैं बताऊँ। गांव का लोग भी और बाहर का लोग भी, जो भी मेरा दोस्त या जो भी मेरा पहचाने वाला मेरे को बोलता रहता है, भाई तुम्हारा क्या हुआ, तुम तो हर साल देते रहते हैं रिक्रूट में, तेरा क्या हुआ, नौकरी मिला, जॉब मिला या कब ज्वाइनिंग जा रहा है, ये सब वगैरह बोलता रहता है। मैं और क्या बोलूँगा, तो जितना भी मेरा भाई बहन इस TSR में मेरे लिस्ट में नाम है, वो लोग अच्छे से जॉइनिंग में जाके ट्रेनिंग में जाके अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से करो, हार मत मानो, अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, आप लोग बहुत आगे जाएगा। तो देखते हैं मैं भी क्या करूं ज़िंदगी में, और अभी तो जिंदा लाश बन के गए, जिंदा लाश बन चुका हूँ गाइस, क्या ही बताऊँ। तो अगर अभी मैं रास्ते का साइड में हूँ, एक यहाँ पे टोंग गौर में हूँ मैं, तो अभी घर में जाके और सुबह से एक फ़ोन आ चुका हूँ, मेरा बहन ने फ़ोन किया है, मेरी डिश निकला, देखा है क्या बोल रहा था, तो अभी मैं घर में जाके क्या बोलूँ, घर में समझ नहीं आ रहा, माँ बाप को क्या बताऊँ। तो आप लोग देख लेना आपका मेरी लिस्ट, जिनका
जिन्हें नहीं देखा वो लोग देख सकते हो मेरे लिस्ट जाके। तो खुश रहो गाइस, आप लोग देखते क्या कर सकते ज़िंदगी में। मेरा इष्ट ख़त्म हो गया, और जिन भाई बहन ने मेरी लिस्ट में नाम आया इन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। आप लोग के लिए आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करो और आगे बढ़ो, बस यही बोलना चाहता हूँ गाइस।